हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर स्टडी के ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेता हूँ MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2020-21 के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए केंद्र सरकार ने नियुक्त कर दिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। GK ट्रिक्स नंबर 5 MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, इससे नीचे किसान से पैसे लेके समर्थन मूल्य इसको बोलते हैं, फसल नहीं खरीदी जा सकती। मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2020-21 के लिए जो नए प्राइस घोषित किए गए हैं खरीफ फसलों के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला धान, एक कॉमन धान होता है जिसे कॉमन बोलते हैं, धान मीस चावल 1868 यानी 18.68 रुपये किलो। अब पिछली बार के मुकाबले 53 रुपये ज़्यादा किया गया है। इस वीडियो का पूरा नोट्स बना लीजिएगा, एक एक प्राइस कभी भी आ सकता है, इन सारे प्राइसेस को आपको लिख लेना है। ज्वार, हाइब्रिड ज्वार 2620 रुपये का है 100 किलो। ये सारे 100 किलो के रेट हैं। अगर हम इसका 1 किलो का रेट लगाएं 2620 रुपये प्रति किलो बैठता है। 70 रुपये पिछली बार के मुकाबले यानी कि 19-20 के मुकाबले 70 रुपये बढ़ाया गया है। बाजरा, बाजरे का रेट 2150 रुपये 100 किलो का है, प्रति 100 किलो के रेट हैं और पिछली बार से 150 रुपये बढ़ाया गया है, यानी पिछली बार ये 2000 रुपये होता था। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पास आपके पास व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, उन सब में इस वीडियो को शेयर करें। मैं अनअकैडमी एजुकेटर हूँ, अनअकैडमी पर आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और ये A2ZKS के नाम से आप मेरे प्रोफाइल को सर्च कर सकते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। रागी, रागी का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा गया है वो 3295 रुपये रखा गया है प्रति 100 किलो का, 145 रुपये पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा है। मक्का का रेट 1850 रुपये प्रति 100 क्विंटल का रेट है, क्विंटल को ही हम 100 किलो बोलते हैं, 90 रुपये पिछली बार के मुकाबले बढ़ाया गया है। अरहर को हम तुड भी बोलते हैं, अरहर की दाल, यानी कि 6000 रुपये प्रति किलो का रेट रखा गया, यानी 60 रुपये किलो से कम आपको अब अरहर की दाल नहीं मिल पाएगी। पिछली बारी 5800 थी, 200 रुपये रेट पड़ा गया। मूंग की दाल सबसे महंगी दालों में मानी जाती है, वैसे मूंग की दाल कुछ लोगों को पसंद भी नहीं होती। 7196 रुपये प्रति क्विंटल का रेट है, 146 रुपये इसका रेट बढ़ाया गया है। उड़द की दाल का अरहर की दाल का रेट सेम है 6000 रुपये, लेकिन उड़द की दाल का रेट 300 रुपये MSP बढ़ाया गया। फिर है मूँगफली 5275 रुपये प्रति क्विंटल का है, 185 बढ़ाई गई है। अच्छा देखिए, जितनी भी ये फसलें हैं, जैसे मूँगफली सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है, कौन कौन सी फसलें कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा होती हैं, इसके लिए आप थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए। जितने भी स्टेट हैं गूगल में जाइए और उन्हें सर्च कीजिए। देखिए हम आपको ये टारगेट क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं ताकि आप दिमाग लगाएं, कुछ क्वेश्चन हल करें और आपकी कैपेसिटी बने क्वेश्चन को सोल्व करने की। सूर्यमुखी के बीज होते हैं, 5885 रुपये प्रति क्विंटल का रेट है, 235 बढ़ाया गया पिछली बार के मुकाबले। सोयाबीन, येलो कलर का जो सोयाबीन है, 3880 रुपये किलो है, 170 रुपये पिछली बार का रेट बढ़ाया गया। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य हाल ही में पिछले महीने मोदी जी ने निकाले थे केंद्र सरकार ने 2020-21 के लिए। तिल को हम सीसम भी बोलते हैं, 6855 रुपये प्रति क्विंटल का रेट है, 370 रुपये रेट बढ़ाया है। नाइजर सीड 6695 रुपये किलो है, 755 का रेट बढ़ा गया। सबसे हाईएस्ट अगर रेट देखा जाए तो यही वाला है जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट बढ़ाया गया। कपास, मीडियम स्टेपल और एक लॉन्ग स्टेपल, मीडियम मीन्स मध्यम स्टेपल कली और लॉन्ग स्टेपल, मीडियम स्टेपल का 5515 रुपये रेट है, 260 रुपये बढ़ाया गया। कपास लॉन्ग स्टेपल 5825 रुपये किलो है, इसका रेट 275 बढ़ा गया, 5825 रुपये प्रति क्विंटल का रेट है। फिर रबी की कुछ फसलों के रेट मैं आपको बता देता हूँ। गेहूँ, अब कई बार ये सवाल भी आ जाता है कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी आती हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूर्यमुखी, सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड, कपास, ये सारे खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलों में अगर आप देखेंगे तो 3 अक्षरों वाले नाम हैं, जैसे खरीफ में 3 अक्षर हैं,
ज्यादातर तीन अक्षरों वाले नाम, और जो रबी है रबी में दो अक्षर हैं, दो अक्षर या एक अक्षर वाले नाम सारे आपको रबी में मिलेंगे। आप चेक कर लीजिए, एक तो को छोड़ के ये आपको याद करना पड़ेगा। धान, धान में आपके दो ही हैं, बाकी तीन तीन। रागी में दो हैं, मक्का में तीन, अरहर में तीन, उड़द में तीन। मूंग में, मूंग रागी और धान आपको याद रखना पड़ेगा। मूंग की दाल और चावल खरीफ फसलों में आते हैं, तिल भी खरीफ फसलों में आते हैं, बाकी सबके नाम तीन अक्षरों से। अब देखिए गेहूँ, रबी की फसल गेहूँ 1925 रुपये प्रति क्विंटल का रेट है, जौ 1525 रुपये। ये देखिए ये जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ ये 2019-20 के ही है, अभी 2020-21 के रबी फसलों के रेट नहीं निकाले हैं गवर्नमेंट ने। चना 4875 रुपये, ये भी दो अक्षरों का है चना। मसूर की दाल यानी जिसे मलका की दाल भी बोलते हैं, ये रबी फसल में आती है, 4800 रुपये प्रति क्विंटल इसका रेट है। सरसों, सरसों जिससे सरसों का तेल निकलता है पीले वाला, 4425 रुपये प्रति क्विंटल का रेट है। कुसुम, कुसुम को सैफ फ्लोवर बोलते हैं, 5215 रुपये प्रति क्विंटल का इसका रेट है। जूट, जूट सबसे ज़्यादा पश्चिमी बंगाल में होता है, 3950 रुपये प्रति क्विंटल का रेट है। शुगर केन, गन्ना, गन्ने के समर्थन मूल्य में कोई भी इजाफा नहीं किया गया है, जिसकी सबसे ज़्यादा मांग की जाती है, 275 रुपये प्रति क्विंटल का रेट है, यानी 100 किलो गन्ना 275 का, यानी मात्र 2.75 रुपये एक किलो गन्ने का रेट मिलता है। चीनी देखिए कितनी महंगी बिकती है, लगभग 40-42 रुपये किलो बिक जाती है। कोकोनट, कोकोनट का रेट 2030 रुपये है, यानी कि 20 रुपये किलो। अब आप देखते होंगे आप कोकोनट लेने जाते हैं, ये प्लाज्मा को बढ़ाता है, ब्लड प्लाज्मा को बढ़ाता है, अगर कच्चे नारियल का आप पानी पीते हैं, यानी 20 रुपये 30 पैसे किलो। वो 40 रुपये लेता है तो 2 किलो के करीब का उसका रेट होता है, तो इतना रेट तो उसको गवर्नमेंट ने घोषित किया है, 2030 रुपये कोकोनट का रेट। ये मेरा प्रोफाइल है डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से, अनअकैडमी पर आप मुझे सर्च कर सकते हैं और आप मुझे हैट डेडिकेट कर सकते हैं। ये हैट आपको मिलते हैं जिन्हें आप हमें डेडिकेट करके हमारे बारे में लिख सकते हैं, हमारी वीडियो कैसी लगी। लगातार मैं आपको ये वीडियो देता हूँ। देखिए एक एमपी टेट का नया बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पे, जून 15 से स्टार्ट हो रहा है और जुलाई 31 तक चलेगा, 46 डेज का बैच होगा, कंप्रिहेंसिव रिविज़न। अब अनअकैडमी के कोर्स का फ़ायदा क्या होता है, इसमें एक सिस्टमेटिकली प्लान है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग क्लास मिलेगी, जैसे आपको हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, CDP की, EVS की, संस्कृत की, सारी क्लास यहाँ मिलेंगी। टाइमिंग होंगे और उन टाइमिंग पे आप आ सकते हैं, जैसे स्टार्ट डेट कब है, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, एक एक दिन छोड़ के एक क्लास होती है। सबसे बड़े फ़ायदा क्या है, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके घर बैठे पढ़ सकते हैं, जब चाहे पढ़ सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डेड हो जाती है, नोट्स बना सकते हैं, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और जैसे अगर कई बार आप वर्किंग में हैं तो वर्किंग में होने के बावजूद आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल होता है, स्मार्टफोन होता है, तो ये कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। अब ये नहीं कि कोचिंग में जाना पड़ेगा, एक घंटा आने का, एक घंटा जाने का, फिर 2 घंटा पढ़ने का, कोचिंग में इतना समय लग जाता था। अब अपनी आपकी सुविधा आप क्या, देखिए जो टेट कैटेगरी के कोर्स हैं, टेट की प्राइसिंग प्लान ये है कि एक महीने का कोर्स 1200 रुपये का है, 3 महीने का 1000 रुपये महीना पड़ता है, 6 महीने का लेते हैं तो 800 रुपये महीना पड़ता है, 12 महीने का कोर्स लेते हैं 500 रुपये महीना पड़ता है, और 2 साल का कोर्स लेते हैं मात्र 300 रुपये महीना पड़ता है। इससे सस्ता कोचिंग शायद ही आपको कहीं मिले। अनअकैडमी पे आज ही डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, और जुड़िए हमारे साथ, लर्निंग कीजिए घर बैठे बैठे, तो आप जरूर, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको अपने YouTube चैनल के बारे में बता देता हूँ, मेरा YouTube चैनल A2DRKRS के नाम से है, सर्च बॉक्स में डालिए आपको मेरा चैनल मिल जाएगा A2DRKRS। रोज़ाना एक वीडियो मिलती है और कम्युनिटी बॉक्स में भी एक क्वेश्चन मिलता है। गला थोड़ा सा ख़राब है, बाद में बात करता हूँ, थैंक यू वेरी मच।